हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय केमिस्ट्री क्लास। टुडे विल डिस्कस अबाउट द सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर सबसे पहले आपको डिस्कस करता है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होता है? तो मोलैरिटी मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे वो आपके पास क्या होगा? मोलैरिटी। अब मोलैरिटी का सिंबल आप यूज करते हैं कैपिटल एम। फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है एमबी से, और वॉल्यूम क्या होगा? इन टर्म ऑफ लीटर। तो जब इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करोगे तो ये बन जाएगा, क्योंकि एनबी दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसको लिखोगे डब्ल्यू बी अपॉन एनबी इंटू 1/V इन टर्म ऑफ लीटर। अब 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर रहता है 1000 ml, तो आप डिवाइड कर दोगे 1000 से, तो बनेगा डब्ल्यू बी एम बी इंटू 1000/V इन टर्म ऑफ एम। यानी जब इसको 1000 से डिवाइड करोगे, ऐसे जब आप 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 ऊपर की साइड में चला जाएगा, इसलिए कंप्लीट फॉर्मूला आपके पास बनेगा कैपिटल एम इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000/V इन टर्म ऑफ एम। तो ये आपके पास मोलैरिटी से रिलेटेड फॉर्मूला। क्लियर? अब अगर इसकी यूनिट की बात करें तो स्पेशली मैं यहाँ पर ले लेता हूँ यूनिट। तो यूनिट निकालने का सिंपल सा तरीका है, आपके पास है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब मोल्स है आपके पास, और वॉल्यूम इन टर्म ऑफ लीटर, तो आप लिख दोगे वॉल्यूम इन टर्म ऑफ लीटर, तो यूनिट बन जाएगा मोल पर लीटर। क्लियर है? ये मोलिटी से रिलेटेड आपके पास यूनिट पूछ सकता है। सेकेंड, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोला हमने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यानी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा वो आपके पास क्या होगा? मोलैरिटी। इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन टर्म ऑफ केजी। तो यहाँ पर फॉर्मूला अगर मैं लिखूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स को जैसे एम बी लिखा वहां पर, और मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए आप यूज करते हैं डब्ल्यू ए इन टर्म ऑफ केजी। क्लियर? इसको भी एक्सपेंड कर देंगे फॉर्मूले को, तो बनेगा गिवन मास मोलर मास इंटू 1/W इन टर्म ऑफ केजी। अब 1 kg के अंदर रहता है 1000 ग्राम, तो जब इसको आप 1000 से डिवाइड करोगे तो सिंपली फॉर्मूला बनेगा गिवन मास मोलर मास इनटू 1000/W इन टर्म ऑफ। यस, तो ये कंप्लीट फॉर्मूला बन जाएगा मोलैरिटी से रिलेटेड। अगर यहाँ पर यूनिट की बात करें तो सिंपली यूनिट बनेगा, देखो ऊपर क्या है नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब सिंपली मोल, और नीचे है आपके पास किलोग्राम, तो बन जाएगा मोल पर केजी। तो ये मोलैरिटी और जो आपके मोलैरिटी है दोनों के अंदर ये डिफरेंस रहता है। यहाँ पर क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, विच वन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमेना, तो ये ध्यान रखना ये आपके पास क्या रहता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रहता है, और ये आपके पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। तो होपफुली ये भी आपको समझ आ गया होगा कि आपके पास मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी को निकालते कैसे। क्लियर?
फॉर्मूले क्या है ये चीजें। ओके थैंक यू सो मच।